Welcome back, beautiful people. Before starting the video, guys, आपको पता है ना मैंने गिव अवे रखा था. गिव अवे इज स्टिल ओपन क्योंकि मैंने कहा था कि 1 week के बाद में विनर्स जो है अनाउंस हो जाएंगे. फेयर पार्टिसिपेशन होगा. प्लम स्किन केयर गिफ्ट मिलेगा. 3 winners, guys. 3. I still see very less participation. So rules are very simple. Subscribe to my second channel और उसमें एक नई वीडियो आज हम लोग ने अपलोड कर भी दी है स्पाइसी वाली. Subscribe to my second channel. Link is in the description. Follow on Instagram. और मेरी कोई भी recent post पे जाकर done comment कर दो and you will qualify for the giveaway. ये video I know इधर पे लिखा है Indigo Airlines telephonic interview. But जैसे कि अभी pandemic है तो बहुत से लोग कैसे कर रहे हैं कि instead of calling too many people together, they are just taking the telephonic interview first and then they are shortlisting. So boys, please आप लोग भी इस video को देखो because ये ना कि सिर्फ एयरलाइंस के लिए आपको काम आने वाला है बट अगर कोई दूसरी कॉर्पोरेट फॉर्म वगैरह है उसके लिए भी काम आएगा. एंड यू नो वी वर्क टुवर्ड्स एवरीथिंग. हम हर चीज में हेल्प करनी चाहिए. सो बॉयज तुम लोग भी देखो एंड एज आई ऑलवेज से यू कैन शेयर इट विद योर गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड एंड सो ऑन एंड डू शो योर लव टू मी ऑन इंस्टाग्राम. बहुत सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों को जिन्होंने दिसंबर और जनवरी में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म भरा था इंडिगो का, उनको कॉल्स आने चालू हो गए धीरे धीरे शॉर्टलिस्टिंग की. किसी को ATR एयरक्राफ्ट के लिए, किसी को एयरबस एयरक्राफ्ट के लिए. अब ये एयरक्राफ्ट के डिफरेंसेस मैं इस वीडियो में बता दे जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो फिलहाल सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे जाने कि कंपनी से जो ईमेल आया है शॉर्टलिस्टिंग का, और वो ईमेल में अगर आपको कहा है कि फलाना जगह इंटरव्यू के लिए आ जाए तो वो रियल है या फेक है. और हाँ, ईमेल सबको नहीं आई है तो अगर आपको ईमेल नहीं आई है तो छोड़ दो, कोई दूसरी कुछ और चीज के लिए दोबारा ट्राई करने के बीच वाला जो टाइम होगा आपका तब तक कुछ और चीज कर लो आप. तो मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया है कि वो लोग सिर्फ मुझे स्क्रीनशॉट ले लेकर भेज रहे थे और मुझे पूछ रहे थे. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि वो स्क्रीनशॉट ही देखकर मैं बता दूं कि ये ईमेल रियल है कि फेक, क्योंकि सबसे पहली बात इतने सारे मैसेजेस, और सेकेंड चीज जो मेन चीज, आप मुझे ईमेल तो दिखाओ कि कौन से ईमेल एड्रेस से आया. तो आपको जब ईमेल आता है जीमेल में तो सबसे पहले शो मोर में क्लिक करते हो तो वो ईमेल एड्रेस शो होता है. तो सबसे पहले या तो आपको वो शो करके मुझे भेजना चाहिए या तो खुद आप उसे अंडरस्टैंड कर लो कि कंपनी का रियल ईमेल एड्रेस उसके डोमेन से पता चलता है. उसका जो भी डोमेन वाला है आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो. हर एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके उनका पर्टिकुलर डोमेन ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है. अगर वो ईमेल एड्रेस जो है ऊपर जो जिससे भी आपको ईमेल आया है वो डोमेन से मैच कर रहा है तो वो वैलिड है और जेन्युइन है. और हाँ, प्लीज जो डोमेन ईमेल एड्रेस है उसे एयरलाइन की या कोई भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें. अभी जैसे डोमेन जैसे @gmail है, @yahoo है, तो हर किसी एयरलाइन का डिफर करेगा. सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपने फॉर्म भर दिया है, आई डोंट नो 15 days, 1 month, डिपेंड कर रहा है कि कितने कितने टाइम बाद कॉल कर रहे, कांट से इट. बट जब सबसे पहले HR का कॉल आता है तो वो उनके बिजनेस नंबर होता है, दे डोंट कॉल फ्रॉम देयर पर्सनल नंबर. तो उनके बिजनेस नंबर से आपको कॉल आएगा तो आप ये मत सोचना कि अरे ये तो मोबाइल नंबर है, फेक होगा. HR सबसे पहले आपको बता देंगे कि वो कॉल कर रहे, तो हाय आई एम फ्रॉम XYZ एयरलाइन. सबसे पहले आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा. तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में HR आपको नाम बता देंगे, आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे. तो आपको अपने बारे में बताना है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन आर एयरलाइन इंडिगो स्पाइसजेट XYZ, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे. एंड व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये सारे वीडियोस को आंसर्स कैसे करना, सॉरी क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, इस चीज को मैंने अपने लाइव सेशन में इंस्टाग्राम पे बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और आई थिंक वीडियो देखते देखते आप लोग काफी स्मार्ट हो गए होंगे जो इसे आंसर कर ले. जस्ट मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश जो है काफी फ्लुएंट हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर यू आंसर दीज क्वेश्चंस. आपको वो लोग ये भी पूछ सकते हैं आपकी फैमिली में कौन है, आप स्टडीज रिलेटेड क्या कर रहे हो. बेसिकली इट्स गोना बी अ बेसिक इंट्रोडक्शन. तो क्योंकि बहुत से लोगों को अगेन डाउट था कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होगा. नाउ अगर आपको लग रहा है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू अगर मेरा हो गया, दैट्स इट, ऑनलाइन सिलेक्शन एंड डन, नो इट्स नॉट लाइक दैट. आपके टेलीफोनिक सिलेक्शन के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली
जितने भी लोगों को वो लोग कॉल करेंगे उसमें से सारे लोग तो सिलेक्ट नहीं होंगे, फिल्टर करेंगे कि जो भी लोग उनके हिसाब से कम्युनिकेशन में अच्छे हैं नहीं है. दे विल डेफिनेटली आस्क यू योर हाइट एंड योर वेट एज वेल ऑन द फोन. अगर आपको लग रहा है कि मैंने फोन में झूठ बता दिया कि मुझे कोई टैटू नहीं है, मुझे कोई स्कार नहीं है, मुझे कोई मेरी हाइट क्राइटेरिया को मैच कर रही है, तो वहां पे तो सिलेक्ट हो जाओगे. बट उसके बाद आपको वो लोग ईमेल करेंगे और वो आपसे पर्सनली मिलना चाहेंगे, जहाँ पे आपके साथ में दूसरे बाकी सारे कैंडिडेट्स भी होंगे. तो जो भी है वो सच बता देना. अगर आप झूठ बोल के आगे जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली बुलाएंगे, बट डेफिनेटली जब आपको बुलाएंगे दे विल चेक ऑल दिस, दे वुड नॉट जस्ट गो अहेड विदाउट चेकिंग दीज थिंग्स. क्योंकि बहुत सी लड़कियों का ये भी क्वेश्चन था कि फोन पर ही सिर्फ इंटरव्यू हो रहे तो कुछ भी लाइक यू नो दूसरी सिलेक्शन क्राइटेरिया हट सकती है क्या. सो इट्स नॉट लाइक दैट. अब जैसे मैंने बताया था कि सारे लोग फॉर्म्स ऑनलाइन फिल किए थे, उसमें से हर किसी को कॉल्स नहीं आ रहे हैं. वो लोग किस बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं वो अगेन मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि वो एचआर ही जाने. आई थिंक आई शुड बिकम एन एचआर देन, ताकि मैं आप सब लोगों को ही सिलेक्ट कर दूँ फिर, या आप लोगों को बताओ कि क्या चीज़ें वो चेक करके शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं. एंड ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग के बाद देन टेलीफोनिक का आपका कॉल आ गया. टेलीफोनिक में अगर आप क्लियर थ्रू हो गए हो, एंड टेलीफोनिक में मैं बता रही हूँ दे विल चेक ओनली एंड ओनली योर कम्युनिकेशन. देन आपको ईमेल आएगा, वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कैसे जानना है कि जेन्युइन है या फेक है. तो ईमेल का जो भी वेन्यू होगा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो आपकी सिटी में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई में हूँ, कोलकाता में इंटरव्यू है, सो आई विल हैव टू गो, वो हमारे लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे. अगर आप वहां पर नहीं जा पा रहे, विच इज एब्सोल्युटली अ प्रॉब्लम, कि अभी तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि हर जगह जाने के लिए आपने कोविड टेस्ट करवाना है, आपने नेगेटिव है टेस्ट तो जाओ, फलाना डेज का क्वारंटी एंड ऑल, तो वो सारी चीजें बहुत क्रिटिकल हो चुका है इस वक्त. तो ट्राई करो, अगर आपकी सिटी में ही इंटरव्यू है तो प्लीज मेक श्योर कि बिल्कुल भी उसे मिस ना करें, और अगर दूसरी सिटी में है तो ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, कुछ भी करके इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो. प्लीज वहां पे जाकर इंटरव्यू जरूर दो. और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने फोन पे तो इंटरव्यू क्लियर कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अगर पता है कि फोन पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसमें परफेक्टली आंसर कर पाऊंगी, बिकॉज आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. प्लस मेरी हाइट वेट स्किन सब अच्छा है तो मैं चली गई. बट अगर आप इंडिगो का, विच इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली इंडिगो में ग्रुप डिस्कशन जो होता है, वो लोग आपको कोई भी न्यू टॉपिक दे देंगे बोलने के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके अलावा जब आप उनसे पर्सनली जाओगे इंटरव्यू के लिए, वहां पर आपको कोई भी टॉपिक पे बोलने के लिए दिया जाएगा. और वो सिर्फ एचआर नहीं सुनते हैं, बल्कि इंडिगो स्पेसिफिकली उनके पास एक कम्युनिकेशन ट्रेनर होता है. सोचो, कम्युनिकेशन इंग्लिश ट्रेनर, वो बैठ के सुनते हैं हमारा कि ग्रामर मिस्टेक्स है क्या क्या. सो जस्ट टेलिंग यू नाउ कि आप अभी से ही अगर आपकी फ्लुएंसी या कम्युनिकेशन में कुछ भी है, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके हम परफेक्ट तो हो सकते हैं, पर अगर हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो जो अननोन टॉपिक है उसमें हम जरूर जो है कतरा सकते हैं बोलने में. So just keep your English fluent and meet the requirements and clear the telephonic interview. बस इतनी ही चीज़ें आपको करनी है, और ये सब होने के बाद में आपका मेडिकल राउंड होगा. मेडिकल राउंड में क्या होता है क्या नहीं, उसके रिलेटेड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हो. बाकी डिटेल्स आपको बाद में डॉक्टर बता देंगे. ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है कंपनी आपको बता देगी. प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली जिन लोग ने ऑलरेडी दिया है इंटरव्यू, या फिर अगर जिसने नहीं भी दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को ये टेलीफोनिक इंटरव्यू की कंफ्यूजन थी, और जो ईमेल्स आ रहे हैं उसे फेक या जेन्युइन है ये कैसे जानना है, ये कंफ्यूजन थी. तो जब तक आप शेयर नहीं करोगे लोगों को पता नहीं चलेगा, और आप लोग मुझे मैसेज करके पूछते रहोगे, और अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पाई तो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू मिस ऑन इट यार, प्लीज. सो I hope this video was helpful for you. And please guys, description mein link hai for the second channel. Go subscribe and participate in the giveaway. And do watch, aaj hi nayi video dali hai. And I'm sure you guys will love it. Thank you for the love. And yeah, keep supporting and keep loving. And bye.